गोविंद धाम से हमने घोड़े किए हैं हेमकुंड साहब के लिए, और अभी यहाँ से 6 किलोमीटर की चढ़ाई है और बहुत खतरनाक चढ़ाई है। तो घोड़ों पे हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि रास्ते में कैसे कैसे माहौल रहता है, क्या है। सामने अंदर से झरना दिख रहा है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो पहुंच चुके हैं हम इस टाइम हेमकुंड साहब गुरुद्वारा। बहुत अच्छी किस्मत, परमात्मा का आशीर्वाद जो यहाँ तक हम पहुंच पाए। आइए आपको दिखाते हैं हेमकुंड साहब गुरुद्वारा। सरोवर के दर्शन कर लें। ये है सरोवर जहाँ पर नहाने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सूरज बहुत तेज, बहुत साफ मौसम है। ये वो सरोवर है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं। खबड़ा किसके लिए
जिना करपुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजा गुरुद्वारा साहब के पिछली साइड में लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ पर बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। लक्ष्मण जी का मंदिर है, देखिए बादल किस तरह, हम बादल में बहुत ही अच्छा नजारा। ये श्री लक्ष्मण लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, बताया है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के पैरों के निशान हैं अभी भी पत्थर पे, वो आपको दिखाते हैं। ये है सामने, देख सकते हैं हेमकुंड साहब गुरुद्वारा का बहुत ही शानदार मनमोहक व्यू, साथ में लक्ष्मण जी का मंदिर है, ये पर्वत श्रेणियाँ। और आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, लक्ष्मण जी के मंदिर को पार करते ही थोड़ा आगे जाते ही पैर है गुरु गोविंद सिंह जी का पानी में चट्टान पर, वो अभी दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है गुरु गोविंद सिंह जी के पैर का निशान एक चट्टान के ऊपर, एक ही है। तो ये इस चट्टान पे जो ये पैर का निशान है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के पैर का निशान है। बहुत कम लोगों को इसके दर्शन करने को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर जब बर्फ से ढका होता है और पानी जमा हुआ होता है तो ये देख नहीं पाते हैं। आज जब हम यहाँ आए हैं तो मौसम बहुत साफ है और अब यहाँ बर्फ भी नहीं है, पानी बहुत साफ है, जिसकी वजह से आप ये गुरु गोविंद सिंह जी के पैर के दर्शन कर सकते हो। यहाँ से देखिए सामने श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन कीजिए आप, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये देखिए गुरुद्वारा से गुरु गोविंद सिंह जी के पैरों के निशान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी जब यहाँ तपस्या करते थे तब की ये है, और किसी और जोनी में कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ तपस्या की है। तो ये जो पैर है गुरु गोविंद सिंह जी का पैर है, देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ से हेमकुंड साहब जी के दर्शन कर लीजिए। यह गुरु गोविंद सिंह जी के पैर के निशान। तो अभी हेमकुंड साहब में है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पीछे देखिए गुरुद्वारा कितना अच्छा व्यू है, और मैं गुरु गोविंद सिंह जी के पैर दिखाने आपको यहाँ तक लेके आया हूँ। पीछे कितना अच्छा व्यू है, साहब जी के दर्शन अब हम कर चुके हैं और अब जा रहे हैं हम नीचे गोविंद धाम की तरफ। देखिए पीछे आसमान में किस तरह बादल चारों तरफ हो गए हैं, और अब जो है एक तरह से हमारी हेमकुंड यात्रा जो है कंप्लीट हुई, अब हमारी वापसी की तैयारी है और अब हम नीचे उतरेंगे।
श्री हेमकुंड साहब के दर्शन करके हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, और मैंने घोड़े से सफ़र किया था क्योंकि मुझे दिक्कत आती है चढ़ाई में चढ़ने में, तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। और आप देख सकते हैं ये नीचे ये गोविंद धाम है जहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी, और बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा मौसम मिला हमें। और सामने देखिए वहाँ पर झरना बह रहा है जिसने भी मेरे इस वीडियो को एंड तक देखा है उसके लिए वाहेगुरु से एक ही प्रार्थना है कि उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो, और जब भी आपका मौका लगे आप ज़रूर हेमकुंड साहब के दर्शन करने आएँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।